बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये जो कल वाकया हुआ है मदीना शरीफ के अंदर, ये सारी जो टेलीविजनों पे और सोशल मीडिया पे और हर जगह पे ये इंफॉर्मेशन चली है, जिसमें मेरा नाम, अनिल मुसर्रत का नाम घड़ी घड़ी मेंशन किया गया है, उस पे ये मैं वीडियो का मैसेज दे रहा हूं एज अ क्लेरिफिकेशन। हम जी दो दिन पहले आए थे, अपना हमने उमरा किया, मैं और अनिल मुसर्रत ने। उसके बाद फिर हम मदीना शरीफ आए, हम अपना एक रात मदीना शरीफ काटना चाहते थे और उसके बाद वापस आ रहे थे। जिस टाइम हम मदीना शरीफ में बैठे हुए थे, हम अपनी नमाज पढ़ रहे थे, रोजे खुलने का वक्त था, तो वहां पे मुफ्ती साहब और मरियम नवाज बेगम ये एंटर हुई। और जब ये एंटर हुई तो मैंने देखा कि पीछे से बड़ा शोर मच रहा है। तो अनिल मुसर्रत नमाज पढ़ रहे थे, मैं उठ के वहां से आया पीछे, और पीछे आने के जो मैंने देखा तो वहां पे एक शोर मच रहा था, जो पाकिस्तानी वहां पे जमा थे। इसमें जी मैं ये क्लियरिफाई करना चाहता हूं, ना कोई अनिल मुसर्रत ने फंडिंग करी थी इसकी, ना मैंने कोई ऑर्गेनाइजिंग करी थी। खुदा के वास्ते हम इबादत के लिए यहां पर आए थे। अल्लाह रसूल को तो आप पॉलिटिक्स में मत डालिए, हम अपनी इबादत कर रहे थे। आप इबादत के अंदर आपने इतना हमारे ऊपर शोर मचा दिया कि हम अरेस्ट हो गए, हम ये हो गए, हमारी पुलिस ने पकड़ लिया। ना हमने कोई पुलिस ने पकड़ा, ना हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन आंसर हुआ, ना कोई हम अरेस्ट हुए, हम अपना पूरी इबादत करके वापस आ गए। बस ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था। वो लोग जो है वो अपने जिम्मेदार हैं कि वहां पर शोर क्यों मचा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।